तो दोस्तों आज हमारे पास दो स्टूडेंट लोग हैं और एक तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं मनोज जी और रॉकी जो हैं बिहार से रहने वाले हैं। तो दोनों लोगों का बैच कंप्लीट हो गया है। ये रक्षाबंधन में हमारा एक बैच कंप्लीट हुआ है जिसमें से काफी बच्चे लोग हैं जो अपना घर जा रहे हैं और इसमें से पहले के जो बैच थे वो लोग सब लोग जा चुके हैं सीख करके। इनका जो बैच था पूरा आपके डेट में कंप्लीट हुआ है। ये लोग थोड़ा सा बाद में भी आए थे और इनका कोई डाउट्स वगैरह थे वो सब पूरा अच्छे से क्लियर करके जा रहे हैं। ये जितना सारा बैच है ये सब पूरा एक बच्चों का एक पूरा बैच है और इन दोनों लोगों को आज सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो सब लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है और इन लोगों ने पूरा फुल डे क्लास करते थे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास चलते थे और अपना पूरा कंप्लीट काम सीखा, पूरा ट्रेनिंग लिया, सारा जानकारी लिया, मोबाइल फोन को कैसे रिपेयरिंग किया जाता है, मोबाइल फोन को रिपेयरिंग क्या स्टेप्स होते हैं। और ये सबसे पहली बात है जितने भी दोनों लोग थे सीखने के लिए ये दोनों फ्रेशर थे, मतलब मोबाइल फोन में चलाने के अलावा कुछ नहीं आता था। आज भी मेरे पास एक सचिन कुमार थे, उनका लखनऊ से मेरे पास फोन आया था, उन्होंने ये फोन किया था कि सर मैं मोबाइल फोन के मामले में सिर्फ चलाना जानता हूँ, आज तक कभी मैंने आयरन चलाया ही नहीं, कभी काम ही नहीं किया, आयरन को सिर्फ देखा है लेकिन कभी आज तक हाथ तक नहीं टच किया। तो हम क्या इन सब चीजों का लेकर के आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं? तो मैंने उनके लिए बिल्कुल बोला। और आज ये दोनों बच्चे आपको फीडबैक जरूर देंगे कि ये पहले मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में नॉलेज रखते थे कि नहीं रखते थे और आज क्या क्या काम कर लेते हैं वो भी अपने इन्फॉर्मेशन को आपके सामने देंगे। तो बताइए मदन। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज यादव है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ आने से पहले मैं एकदम फ्रेशर था और मुझे जो कुछ भी यहाँ से सिखाया गया है वो सब मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और आप लोग भी आइए यहाँ पर और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आधे से ज्यादा सीख के जाएंगे। बस थैंक यू। मेरा नाम रॉकी कुमार है और मैं बिहार का हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं बिल्कुल फ्रेशर था और मुझे मोबाइल फोन के बारे में कुछ भी नहीं आता था, तो यहाँ आने के बाद बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मैं अपना शॉप डाल सकता हूँ। और सर ने बताया भी है कि ये मुझे फुल सपोर्ट करेंगे, जहाँ भी डाउट होगा सर से मेरा कॉन्टेक्ट रहेगा और सर मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। बिहार में तुम कहाँ से हो? पटना से सर। पटना से रहने वाले? जी सर। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर पढ़ाई करते थे। इससे पहले पढ़ाई करते थे? तुमने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का लाइन क्यों सिलेक्ट किया? क्यों ऐसा सोचा कि मुझको मोबाइल फोन रिपेयरिंग लाइन में जाना चाहिए, या किसने आपको गाइडेंस दिया लाइन में आने के लिए? सर गाइडेंस तो अपने गांव में ही मिला, सबने देखा हमने गांव में, मोबाइल शॉप हमारे गांव में नहीं है, हम दूसरे गांव में जाते तो बस वहीं से कुछ दिमाग में आइडिया आया कि चलो मोबाइल फोन का सीखते हैं। और आपका वीडियो सर देखे बहुत अच्छा लगा और आपने जैसा वीडियो में बताया, हम बात भी किए थे कि आपने फुल सपोर्ट किया हमें, धन्यवाद सर जी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मोबाइल फोन एक ऐसा डिवाइस है, चाहे वो छोटा सा गांव हो, शहर हो, देश हो, जगह हो, कहीं भी आप चले जाइए हर जगह पर ये मोबाइल फोन मिलेगा। मोबाइल फोन ही एक ऐसा रास्ता है जो सबसे अच्छा कनेक्टिविटी का साधन है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में जुड़ा हुआ है तो मोबाइल फोन के माध्यम से जुड़ा है। आज मैं आपको बताऊं, दुनिया के भागती दौड़ती दुनिया में, बिजी लाइफ में इंसान एक दूसरे को फोन नहीं कर पाता, एक दूसरे को बात नहीं कर पाता, लेकिन इंटरनेट ने ऐसा लोगों को जोड़ा हुआ है। इंटरनेट हम लोग जब मैं आपको बताऊं, सन 2005 से मैंने जब इंटरनेट के बारे में मैंने सुना था, क्योंकि मैंने 2005 से जब मैंने पास आउट किया, जब मैंने इंटरनेट का नाम सुना कि इंटरनेट है, 2004 से फेसबुक आया था, फेसबुक की जो जनरेशन शुरुआत हुई 2004 से आई थी, 2004 में ही हमारी फेसबुक की आईडी बन गई थी और 2004 से आज मेरी फेसबुक की आईडी चल रही है और आज तक कंटिन्यू फ्लो में है। और 2004-5 से जब हमने इंटरनेट की लाइन की दुनिया को समझा तो लोग कहते थे इंटरनेट एक माया जाल की तरह है, इंटरनेट एक दूसरे लोगों को जोड़ेगा, एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। हमारे सर ने, हमारे जो सिखाने वाले लोग थे, उन लोगों ने हमको समझाया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जब मैं इस लेवल पे यहाँ पर खड़ा हूँ तो आज देखा जाए तो हर एक आदमी को इंटरनेट इतना अंदर तक घुस गया है कि आदमी को आटा चाहिए चाहे ना चाहिए, लेकिन आदमी को डाटा चाहिए। आज वो ऐसी पोजीशन बन गई है कि आदमी के पास अगर जेब में 1 रुपया नहीं होते, मैं कई बार देखता हूँ कि चाय पीने की दुकान पर जाता हूँ तो आदमी के पास 1 रुपया नहीं होता, खाली सिर्फ मोबाइल फोन लिए खड़ा, बस कहता फोन पे कर दूंगा। तो दुकान वाला पता क्या कहता है, भैया 5 रुपया हम नहीं लेंगे, हम कैश ही लेंगे। तो क्या कहता, हमारे पास है ही नहीं, मतलब वो अपाहिज है। अब वो कैसे, उसके पास पैसे कैसे देना चाहता, वो ऑनलाइन देना चाहता। तो इसलिए कि आप, अब तो चलो ठीक है कि चाय वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, कोई दुनिया जान में कोई भी आदमी हो,
सब ऑनलाइन पोर्टल पे कनेक्ट हो गया है, जब सब ऑनलाइन पोर्टल पे कनेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है वो ऑनलाइन चलेगा कैसे? उसके लिए कोई मशीन तो बनी नहीं है, उसके लिए कोई डिवाइस तो बनी नहीं है, उसका सिर्फ एक ही साधन है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की वजह से ये सारी चीजें इतना इजी हो गया है जिसका जवाब नहीं। तो आज जाहिर सी बात है मोबाइल फोन जो डिवाइस है अगर खराब हो जाएगी तो उसको लोग फेंकेंगे तो है नहीं, रिपेयर कराएंगे। क्योंकि आदमी एक बार जब मोबाइल फोन लेता है तो एक अपना अच्छा खासा बजट बनाता है, 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार। अगर आदमी को बोला जाए एक काम करो 30 हजार का मोबाइल फोन ले रहे हो, काम करो अपने लिए 30 हजार रुपए की चैन बनवा लो, सोने की अंगूठी बनवा लो, अरे उसको क्या करूंगा, उसको कौन सा पहनूंगा, उसको हमको कोई काम करने। लेकिन 30 हजार का मोबाइल फोन ले लेगा, अगर 30 हजार के सोने की चैन बनवा लेगा 10 साल बाद अगर उस चैन को बेचेगा तो 30 हजार से 32 हजार की बिकेगी, 35 हजार की बिकेगी, लेकिन 30 हजार से 1 रुपया कम नहीं होगा। लेकिन आज मैं कहता हूँ 30 हजार का मोबाइल फोन ले ले और 10 साल बाद 5 साल बाद वो मोबाइल फोन 30 हजार का, मैं आपको बताऊं तुम जो भी दम लगा लो तुम्हारा आज से 5 साल बाद जो 30 हजार का मोबाइल फोन है ना वो बिल्कुल कूड़ा लगेगा। क्या बोलेगा? क्योंकि उससे लेटेस्ट मोबाइल फोन आ चुका है, वो डिवाइस बेकार हो जाएगी। ये बात हम लोगों को सब चीजों को भली भांति पता है लेकिन फिर भी हम मोबाइल फोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा एक ऐसा जरूरत बन गया है कि आजकल हर एक आदमी के मोबाइल फोन धीरे 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 करके मजबूरी बनता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ाई या किसी काम के क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या हर क्षेत्र में चले जाइए, मोबाइल फोन आदमी के पास कंपलसरी है, मोबाइल फोन के साथ में इंटरनेट कंपलसरी है। तो जब ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं तो जाहिर सी बात है टेक्निकल चीजें खराब होगी तो उसके रख रखाव के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक बात और मैं कहता हूँ, दुनिया जहान में सारे बिजनेस ऑनलाइन हो सकते हैं लेकिन 3 काम ऐसे हैं जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव लिया है वो कभी ऑनलाइन नहीं हो सकता। एक तो क्या ऑनलाइन नहीं हो सकता? आदमी अगर कल को बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए तो तुम्हारे पास इतने बड़े दम नहीं होंगे कि तुम डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब हमारे घर आ जाओ, तुमको खुद ही जाना पड़ेगा। और अगर वो एक बार आ भी जाएगा तो दोबारा बोलेगा एक काम करो बस ऑपरेशन होगा, चलो मेरे पास, तो तुमको वहीं पर जाना पड़ेगा। अगर मोबाइल फोन डिवाइस कोई भी चीज अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो लोग उसको ऑनलाइन नहीं कर सकते, लोगों को जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आप 30 हजार का मोबाइल फोन अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, दुनिया जानते सब जगह से मंगा सकते हो लेकिन उसको खराब हो जाएगा तो 300-500 रुपए हम जो ठीक कराने के लिए तुमको बाजार ही जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, सर्विस के लिए जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये हमारा सर्विस का लाइन है तो ये हमारा जिंदगी में कभी ऑनलाइन नहीं हो सकता। ये हमारे हाथों के हुनर है, हमारे हाथों की कला है, हमारे हाथों की स्किल है और इस स्किल की वजह से हम हमेशा जिंदगी भर काम करते रहेंगे। तो आप लोग सीख करके जाएंगे स्टूडेंट, आप अच्छा काम करिए, कभी कोई भविष्य में कोई दिक्कत आती है, आज मैं वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर कभी कोई दिक्कत आती है, हमारा सजी मुझे इस लाइन में 17-18 साल सिखाते सिखाते हो गया, हम ऐसे आदमी नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम आए और किसी गिरगे की तरह बदल जाए। जो सजी आज से 1 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, मरते दम तक आपको इसी वे में हमेशा बात होगी। कभी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आपको हमेशा के लिए मेरी तरफ से आपको सोल्यूशन मिलेगा, हमारी टीम की तरफ से आपको हमेशा सोल्यूशन मिलेगा। और रॉकी जी और मनोज जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप ओपन करिए, अपना काम करिए। अगर कभी तुमको भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नया अपडेट चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई चीज पूछना है, कोई चीज समझना है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर 1-2 साल बाद कोई नई तकनीकी आती है, कोई नई चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको सीखना चाहिए तो दोस्त आप हमारे पास आकर के सीख सकते हैं और सीखने के बाद अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ताकि हमारी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारा स्टूडेंट कभी जिंदगी में फेल हो, क्योंकि जिंदगी में एक बात मैंने देखा है कि सड़क और टीचर इसका कोई नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अगर टीचर का एक स्टूडेंट सफल होता है तो ही कहीं ना कहीं नाम होता है, और सड़क का भी कोई वैल्यू नहीं होता, बस खाली आदमी अगर अपने मंजिल तक पहुंच जाता है तो उसी रास्ते की वैल्यू होती है कि भाई हम दिल्ली गए थे, रास्ता बहुत अच्छा था, हम पहुंच गए, वरना उस रास्ते को कोई नहीं जानता और टीचर को भी कोई नहीं जानता। बस खाली टीचर को तभी जानते हैं जब उसके स्टूडेंट सफल होते हैं, वो अच्छी तरीके से मार्केट में काम करते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं। और ये एक हुनर है हमारे हाथ में, जब हुनर आ जाता है, हुनर एक ऐसी चीज होती है जिसको तराशने की जरूरत होती है। सोना ऐसी चीज होती है उसको गर्म कर दो तुरंत चमक आ जाएगी, और गर्म कर दो को पिघल जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वैसे ही चमक आ जाएगी। लेकिन दुनिया जान में हीरा एक ऐसा होता है, वो पत्थर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस हीरो को डिपेंड करता है उसको कितना तराशा गया है, जितना अच्छा तराशा जाता है उतना ही अच्छा काम करता है, वही उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। वही 1 रुपए का होता है वही 1,00,001 करोड़ रुपए का हो जाता है, क्योंकि उसकी तराशने की कला कितनी अच्छी होती है। ऐसे ही आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है।
कि आप कितना अच्छा काम करेंगे, कितना बढ़िया तरीके से मोबाइल फोन रिपेयर करेंगे, कितना अच्छा से लोगों को सर्विस देंगे जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे। और मैं आपको एक चीज मैं आपको सिखा के भेजना चाहता हूँ, 5 चीजें हैं जो आप लोग अपने क्षेत्र में जाइएगा करिएगा, जरूर करिएगा। ये इसीलिए करिएगा क्योंकि आपको काम बहुत अच्छा आता है, ये बात मायने नहीं रखता, लेकिन आपको ये बात आपके क्षेत्र में जानना बहुत जरूरी है कि आपको काम आता है। क्योंकि अगर आपको काम नहीं आता तो एक कोने में जा करके दब करके बैठ जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमको तो मोबाइल फोन ठीक कराना है, लेकिन मनोज जी जब तुमको लोग जानते ही नहीं कि तुम मनोज मोबाइल फोन ठीक करते हो तो तुम्हारे पास क्यों आएंगे, किसी को कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है। तो आदमी को जब सीख करके जाता है तो अपने लाइन में 5 काम करना चाहिए। एक तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि अपने एरिया में जाए तो अपने एरिया में अपना प्रचार प्रसार करे, लोगों को बताए कि मैं मोबाइल फोन का काम करता हूँ, अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है तो सर्विस के लिए आप हमारे पास आइए। दूसरी चीज, जब भी आपके पास मोबाइल फोन आए तो उस मोबाइल फोन में आप वही वाजिब पैसा लीजिए जो आप अपने दिमाग में सेट करें कि अगर हमको चार्जिंग कनेक्टर का अगर 100 रुपए लेना है, 50 रुपए लेना है तो आप उतना ही पैसा लीजिए। ये नहीं कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया और चार्जिंग कनेक्टर में 300 भी मिल रहा है तो कोई तो लाओ 300 रुपया लगेगा, 300 ले लो, ऐसा नहीं। आप एक वाजिब पैसा लीजिए क्योंकि ये सर्विस से लाइन होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। कहो मोबाइल फोन खोला और बंद किया, मोबाइल फोन चालू हो गया, लाओ 500 रुपए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप अपना ईमान से लीजिए कि भैया इसको ये हो गया 200 रुपया 150 रुपया सर्विस से लगा, आप वही पैसा लीजिए ताकि सामने वाला भी खुश रहे, वो आप भी अपने वैल्यू को हमेशा बना के रखें, कभी कोई दिक्कत ना आए। तीसरी चीज, जब भी आप मोबाइल फोन करें तो मोबाइल फोन को अपने टाइम पे जो कस्टमर को बोले उसी निर्धारित टाइम पे ठीक करके दें, और कस्टमर को समय पे समय मत दें कि भैया मोबाइल फोन तुम्हारा ठीक हो गया, 2-3 दिन का समय लगेगा। उस चीज को थोड़ा फोकस करें कि नहीं भाई इतने टाइम पे उसको बना के दे दें, क्योंकि किसी का डिवाइस है 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 का चीज, अगर ज्यादा दिन तक रखा रहेगा तो वो या तो नया ले ले या तो फिर वो मोबाइल फोन उसका ठीक हो जाए, तो वो परेशान ना हो, वो परेशान नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज क्या, जब भी आप अपने एरिया में काम करेंगे जाकर तो आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए और आप अच्छे से अच्छे टूल्स के बारे में आप समझते रहेंगे कि आज ये हॉट गन आया, ये मशीन आया है, डीसी मशीन आया है, माइक्रोस्कोप आया है, ये चीज ये काम करता है। क्योंकि आदमी को मजबूत आदमी नहीं बनाता, आदमी को मजबूत आदमी का औजार बनाते हैं। जितना उसके औजार अच्छे होते हैं, जितना टूल्स अच्छे होते हैं, उतना बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इन चीजों को नॉलेज रखें। उसके बाद पांचवी चीज है, आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें, क्योंकि जब कस्टमर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक करा के जाता है, अगर कल को उसमें चार्जिंग पिन ढीला रह जाता है, काम्बो लूज रह जाता है, या आपने काम्बो लगा के दे दिया 15 दिन बाद वो फिर खुल गया, अगर आपके पास आता है तो आपको इसमें गलत गुमराह मत करें, भाई बोले भैया लाओ भाई चिपका दूंगा फिर लग जाएगा, आप उसको फिर से लगा करके दें। अगर थोड़ा सा अगर आप कस्टमर के फेवर में जाकर के सपोर्टिंग नेचर रखेंगे और अच्छी तरीके से काम करेंगे, व्यवहार कुशल रखेंगे, तो लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होंगे। अगर कोई कस्टमर आपके साथ में आता है, कोई बहस करता है, लड़ता है या आपसे कोई बात करता है, तो आप उसका कभी भी जिंदगी में कभी गलत ना माने, ये दोस्त बहुत अच्छी बात है। अगर आपके साथ में कोई आता है, बहस करता है, लड़ता है, क्योंकि आदमी दोस्त वहीं पर लड़ता है जहां एक दूसरे की मोहब्बत होती है, और जहां पर मोहब्बत नहीं होती वहां नहीं लड़ता, क्योंकि दो अनजान आदमी कभी नहीं लड़ते, दो अनजान आदमी तभी लड़ते हैं जब एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो तभी वो लड़ते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर आपके साथ में वो आ रहा है तो आपके साथ में इसलिए कहना चाहता है क्योंकि वो समझता है, वो आपसे उम्मीद रखता है कि भैया मेरा मोबाइल फोन है, ये खराब हो गया, ये है वो है, तो आपसे उम्मीद रखता है तभी आपसे कर रहा है। इस चीज के लिए कभी आप बुरा भला ना समझें, उस चीज को पॉजिटिव भी मिलें और उसका काम अच्छी तरीके से करके दें, ताकि लगातार जब आप सर्विस को बना के रखेंगे तो लोग आपसे, एक लोग जुड़ेंगे, 2 लोग जुड़ेंगे, 5 लोग जुड़ेंगे, 10 लोग जुड़ेंगे, 50 लोग, 100, 200, 500, हजारों लोग ऐसे जुड़ जाते हैं। जब हजारों के लाखों की तादाद में जुड़ जाते हैं तो फिर आपका काम चलता है और आप सजी जिंदगी में कभी भी 2-4-5 हजार रुपए के लिए मोहताज नहीं रहते, और 30-40-50 हजार रुपए कमाना लाइफ में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। बस आपको लगातार फ्लो में काम करते रहना है और अपने व्यवहार को बहुत अच्छे से बनाकर रखना है। थैंक यू सभी लोग।